सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सागर मेरा। एंड गाइस, आज के हम फोटो एडिटिंग में करने वाले हैं डार्क सनसेट इफेक्ट। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, मैं फोटो किस तरीके से रिटच करता हूँ एंड अपने फेस को कैसे स्मूथ करता हूँ। तो एयर ब्रश हमें ऐप एक है, ये यूज़ करेंगे एंड ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ से अपनी एयर ब्रश के अंदर ये फोटो को ऐड कर लूँगा एंड इसको मैं स्मूथ करूँगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर जाकर एक स्मूथ का ऑप्शन आएगा और इसे दूसरी बार भी हम सेकेंड पर रखेंगे, डबल स्मूथ करेंगे फेस पर। तो एक सेकेंड मैं इसको बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो मैं फ़ोन को रोटेट करूँगा फिर करूँगा, ठीक है। तो एंड मैंने इसे बैक कर लिया एंड ये सेकंड ऑप्शन आ गया एंड इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अपने फेस को स्मूथ करेंगे। देखिए अब मेरा फेस कितनी जल्दी अच्छे से एकदम स्मूथ हो रहा है, तो हम उसी तरीके से इसको एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ओके, तो जिस तरीके से ये स्मूथ हो रहा है तो उसी तरीके से आपको भी करना अपने फेस पर, तो बहुत अच्छे से आपका फेस स्मूथ हो जाएगा, एक भी पिम्पल्स नहीं रहेगा। और याद रहे कि ये जो हमारी नीचे की लाइन होती है ना, नीस वगैरह ये सब, तो आपके इधर यहाँ पे आपको स्मूथ नहीं करना, ताकि इधर वाला जो कट है वो जरूरी रहना चाहिए, शेप जरूरी दिखेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी एडिट होगी फोटो। तो मैंने यहाँ से कर लिया ऐसे स्मूथ एंड मैं इसको अब ले जाऊँगा लाइट रूम के अंदर जाकर अब इस फोटो को रिटच कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फोटो ऐड कर लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिखे। अब मैंने इस फोटो को मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है, तो 4.5 के उसमें डायरेक्शन में, तो देखिए कितनी मैंने क्रॉप कर लिया है ताकि मैं इंस्टाग्राम पे जरूर से पोस्ट कर पाऊँ। एंड मैंने ये एक प्रीसेट बनाया है अपनी फोटो का, तो आपको ये मिल जाएगा डार्क सनसेट इफेक्ट वाला, तो आपको ये मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। एंड मैं जो इसमें PNG यूज़ करूँगा उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ से कॉपी करके सेटिंग बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना मस्त एडिट हो चुकी है फोटो। तो अब मैं इसके अंदर अब एक प्रीसेट लगाऊंगा, वो PNG लगाऊंगा, तो वो देखना वो कैसे ऐड करूंगा मैं। तो वो PNG लगने के बाद पिक बहुत अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो वो PNG में आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर जरूर से डाउनलोड करना। अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता कुछ भी प्रीसेट या PNG वगैरह, तो उस एक वीडियो बना रखे, वो वीडियो को आप एकदम अच्छे से देखना और वही चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड के ऑप्शन में मेरा PNG नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैंने खुद ही क्रिएट किया था। यहाँ से मैं रिसेंट में जाऊँगा एंड मैं इसको यहाँ से उठा लूँगा, ये रहा, एंड मैं इसको कोने में लगा दूँगा एकदम थोड़ा सा बड़ा करके साइज़। अब ये थोड़ा सा लग रहा है स्पार्क टाइप, यानी गोल्डन स्पार्क टाइप लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा स्क्रीन, इसके ब्लेंड को। अब देखिए बहुत ही अच्छे से एडिट हो चुकी है। तो फोटो आप भी ऐसी फ़ोटो एडिटिंग करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से टैग करना, अगर मुझे फ़ोटो पसंद आएगी तो मैं अपने स्टोरी में जरूर से डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल।